बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार और निजी चिकित्सालय प्रतिनिधियों के बीच जो मुलाकात हुई, उसके बाद चिकित्सक संगठनों की तरफ से उनका वर्जन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम बिल के खिलाफ नहीं, जनता को फायदा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ उपचार बिल्कुल नहीं है। ये निजी चिकित्सक संगठनों का कहना है। उन्होंने कहा कि बिल से प्राइवेट डॉक्टर्स पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है और उन्हीं प्रावधानों को लेकर इनका विरोध है। आपको बता दें कि आज चिकित्सक संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी। इस बिल में प्रावधानों को लेकर कुछ आपत्ति थी उन संगठनों को, तो उनमें क्या संशोधन वो चाहते हैं, क्या उनका निदान हो सकता है, इसको लेकर उनकी ये बातचीत हुई थी। इस खबर को लेकर हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह। सुदर्शन, निजी चिकित्सक संगठनों की जो बैठक हुई, अस्पताल संगठनों की बैठक हुई है, उनके साथ ये चर्चा हुई है कि जो भी उनकी आपत्तियाँ हैं, चाहे उसमें इमरजेंसी की परिभाषा को लेकर या फिर रीएम्बर्समेंट को लेकर, क्या इस बैठक का नतीजा निकला? देखिए, कुछ क्योंकि बैठते हैं जब दोनों पक्ष तो कहते हैं कि कोई भी निष्कर्ष है डॉक्टर प्रभात वो बातचीत से ही निकलता है, इसीलिए जब दोनों पक्ष बैठे तो चीजें जो है वो कुछ यहाँ पर जरूर सुलगती हुई नजर आई है। और डॉक्टर प्रसिद्ध जो है चिकित्सा सचिव वो इस बैठक में मौजूद थे, इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस हेल्थ के सीईओ इसमें मौजूद थे, तो तमाम वरिष्ठ अधिकारी सरकार की तरफ से मौजूद थे और चिकित्सक संगठनों के जो प्रतिनिधि थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर जो नब्बे लोग हैं डॉक्टर प्रभात वो ये है कि डॉक्टर्स का ये कहना है, इन्होंने साफ तौर पर जो बिल है राइट टू हेल्थ बिल, इसको राइट टू किल बिल करार दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो नाराजगी वो किस हद तक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि साफ तौर पर यह भी कहना है डॉक्टर्स का, खासकर प्राइवेट डॉक्टर्स का, कि हम बिल के खिलाफ नहीं है, जनता से इसको फायदा मिलेगा और जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इस बिल को डॉक्टर्स का यह कहना है कि पूरी तरीके से जो निजी डॉक्टर्स है उनके ऊपर थोपा जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें इस बिल में की गई है, जैसे एक इमरजेंसी शब्द को लेकर आपत्ति है, उसमें यह कहना है कि इमरजेंसी में कोई भी अस्पताल हो उसको उपचार के लिए मना नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ेगा, और अगर वो उपचार के लिए मना करता है तो एक प्राधिकरण अलग से बनाया जाएगा, वहां पर शिकायत की जाएगी, वहां पर मरीज की सुनी जाएगी और जो प्राधिकरण है उसकी सुनी जाएगी, डॉक्टर की तरफ से नहीं सुनी जाएगी। और उनका ये कहना है कि अगर कोई अस्पताल आंखों का अस्पताल है या नाक कान गले का अस्पताल है तो वो एक्सीडेंट इमरजेंसी में किस तरीके से उपचार देगा, उसको वहां पर मना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है डॉक्टर प्रभात, प्रसूता केयर को लेकर भी यहाँ पर आपत्ति है, क्योंकि हर अस्पताल में डिलीवरी नहीं होती, अगर कोई व्यक्ति महिला डिलीवरी के लिए पहुंचती है तो वो उसको मना करना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर डिलीवरी की कोई वहां पर सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है ट्रेंड, और अगर अनट्रेन डॉक्टर्स उसकी डिलीवरी कराएंगे तो वहां पर भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर यहाँ पर आपत्ति है। उसके बाद में हुआ यह है कि डॉक्टर्स की तरफ से 49 पन्नों का एक प्रारूप डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया है, इसमें उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना में जो ये बिल है राइट टू हेल्थ उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है कि उस तरीके से इसको यहाँ पर लागू किया जा सकता है। और डॉक्टर्स ने कुल मिलाकर ये कहा है कि अगर उसकी मांग को नहीं सुना जाता, नहीं माना जाता डॉक्टर प्रभात, तो आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने इनसे संवाद किया और संवाद के बीच आपको बता दें कि जो चिकित्सक संगठन है उन्होंने 49 पन्नों का एक ड्राफ्ट सौंपा है अपनी तरफ से, और उसमें उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं। कुछ राज्यों का उदाहरण इसमें दिया गया है और ये बताया गया कि जिस तरह का वहाँ पर सिस्टम है, उस तरह की सुविधाएँ, उस तरह का जो सिस्टम है वो यहाँ डेवलप किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार